हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीषा एंड आप देख रहे हो मनीषा एंड बनीज़ वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, स्टेंसिल आइडिया शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आपको एक प्रिंट आउट लेना है फ्रेंड्स, और एक फाइल का ऊपर का जो कवर होता है ना, वो काफ़ी थिक प्लास्टिक होता है, आप वो ले लो। और आप ना उसे टूल कटर की हेल्प से कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे थर्माकोल कटर से कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हो, तो हम जो टूल हमारे पास होता है हम उससे भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से नीटली कट करके आपको पेपर एंड जो प्लास्टिक का कवर आपने लिया है उसे मास्किंग टेप या फिर नॉर्मल टेप की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम कट कर रहे हो ना तो ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी सारी कटिंग्स गलत हो जाएंगी और फिर आपका स्टेंसिल सही से नहीं बन पाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सेफली अपने फिंगर की हेल्प से सारे कटिंग्स को सेपरेट करना है, और आपको बहुत इजीली करना होगा, क्योंकि अगर आपका स्टेंसिल कहीं से भी फट गया तो आपका कलर बाहर आ जाएगा और स्टेंसिल डिज़ाइंस अच्छे से नहीं बनेंगी।
मैं ये एम्प्टी वॉल ले रही हूँ फ्रेंड्स, और इसमें मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। मैंने डार्क ग्रीन और येलो कलर का यूज़ किया है। आपको क्या करना है, पहले स्टेंसिल को अच्छे से सिक्योर कर दो वॉल पे मास्किंग टेप की हेल्प से। देन आप कोई भी टिश्यू पेपर लो, या आपके पास अगर रोलर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप एक फॉर्म का टुकड़ा भी ले सकते हो। आप उस फॉर्म के टुकड़े से रैंडमली कहीं भी ग्रीन एंड येलो का यूज़ कर सकते हो। आप जब स्टेंसिल पेंट कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तभी आप, क्योंकि ये लीफ का जो पेटल्स है वो काफ़ी पास पास में है, तो कलर फैलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आप जब भी स्टेंसिल को कलर कर रहे हो ना, तो उसके सामने अपने थंब से या फिंगर से उस जगह को पुश करके रखो, ताकि कलर बाहर ना निकले। जब भी आपको लगे कि आपके स्टेंसिल में काफी कलर्स आ गए हैं, तब आप उसको एक बार फ्रेंड अच्छे से वॉश करके उसे क्लीन कर दो सूखे कपड़े से, अच्छे से पोंछ के फिर उसे आप यूज करो। फ्रेंड्स, अब ये वॉल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।